नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का अचार। ये तकरीबन 1 किलो गाजर है जिसको हमने 4-5 घंटे पहले काट के और नमक लगा के रख दिया था, जिसकी गाजर की मिठास निकल जाए। और हमने इसको पानी को निथारने के लिए छोड़ दिया है। देखिए, गाजर में है ठंडा पानी, आप ना डालें। जो नमक का पानी है वो ही रहना चाहिए। ठंडा पानी आप डालेंगे तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। देखिए, ये हमारा नमक का पानी निकल गया है। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच कलौंजी। ये तकरीबन 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें सौंफ। यदि आपको मसाला ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच डाले हैं। 2 चम्मच हमें डालनी है दाना मेथी। ये है हमारी सफ़ेद राई, जिससे हमारा अचार खट्टा होता है। ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाली। देखिए, नमक हमें थोड़ा डालना है क्योंकि नमक हमारा पहले से ही गाजर में लगा हुआ है। ये हमें डालनी है 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यदि आप मिर्च मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं। ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। देखिए, यहाँ हमें इसको चम्मच से मिलाना है, हाथ नहीं लगाना है अचार को। ये देखिए, हमारा सारा मसाला इसमें हमने मिला लिया। अब हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। ये तकरीबन हमने 200 ग्राम तेल लिया है। जब आप डब्बे में अचार डालें तो आपके डब्बे में तेल ऊपर रहना चाहिए, अचार से ऊपर रहना चाहिए। अब आप डब्बे में अचार को डालें तो 2-3 दिन तक इसको धूप में रखें, डब्बे को धूप में रखें, जिससे आपका अचार खराब नहीं होगा। देखिए, अचार को आप हाथ ना लगाएं, चम्मच से ही डालें। ये हमारा अचार तैयार हो गया है। अब हमें इसे 2-3 दिन के लिए धूप देनी है।